नई सुबह के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम, नई सुबह इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम की ब्यूटी टिप्स के साथ मैं हूँ नादिया। दिन भर हम अपने हाथों की मदद से बहुत से काम करते हैं, इसलिए जरूरी है कि हाथों की स्किन का भी ख्याल रखा जाए ताकि हाथ खूबसूरत नजर आए। क्योंकि अगर हम अपने हाथों का ख्याल नहीं रखेंगे तो डार्क नकल्स, हार्ड स्किन अराउंड नेल्स, ड्राइनेस, रिंकल्स और स्किन सैगिंग जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन इन तमाम प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए आज हम आपके साथ एक सिंपल सा होममेड एक्सफोलिएटर शेयर कर रहे हैं, जिसको इस्तेमाल करके इन तमाम प्रॉब्लम्स को इजीली फिक्स किया जा सकता है। सबसे पहले एक स्मॉल साइज कंटेनर लें और इसमें 1 टेबलस्पून ग्राइंडेड शुगर यानी पिसी हुई चीनी डालें। अब इसमें 2 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल शामिल करें और दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। होममेड एक्सफोलिएटर इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब अपने हाथों को वॉश कर लें और इस एक्सफोलिएटर की थोड़ी सी क्वांटिटी अपने हाथ पर रखें, दोनों हथेलियों से रब करें और हाथों पर आगे और पीछे की तरफ अच्छी तरह से अप्लाई कर लें और सॉफ्टली हाथों पर स्क्रबिंग स्टार्ट करें। नकल्स और स्किन अराउंड नेल्स, इन एरियाज पर अच्छी तरह से मसाज करें। तकरीबन 6 से 7 मिनट की स्क्रबिंग के बाद अपने हाथों को वॉश कर लें और जब हाथों की स्किन हल्की नम हो तो कोई सा भी मॉइस्चराइजर अप्लाई करें ताकि स्किन में अच्छी तरह से पेनिट्रेट कर सके। इस रेमेडी को वीक में 2 बार जरूर इस्तेमाल करें और अगर आपके हाथों की स्किन ज्यादा खराब है तो आप इस रेमेडी को 3 से 4 बार वीक में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस रेमेडी के बेस्ट रिजल्ट्स अचीव करना चाहते हैं तो इसे रात में सोने से पहले करें ताकि सारी रात आफ्टर स्क्रबिंग एंड मॉइस्चराइजिंग आपके हाथों की स्किन अच्छी तरह से रिपेयर हो सके। ये तो थी आज की रेमेडी। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।